रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी देर के बाद आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जितनी भी स्टूडेंट ने हड़ताल वगैरह की ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, तो ये सिर्फ अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए करामत साबित हुई है। उनके लिए करामत क्या चीज़ साबित हुई है? उनके लिए जो दूसरी फीसिस थी वो माफ़ कर दी गई हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस ही, जो ट्यूशन फी थी वही सिर्फ ली जाएगी जो ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट ले रहे थे। बाकी उनकी मेडिकल फीस, स्पॉट फीस, लाइब्रेरी फी वो माफ़ कर दी गई है। ये आज ही लाहौर न्यूज़ में खबर आई है, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप भी न्यूज़ को सुनिएगा। हाल में पंजाब यूनिवर्सिटी का एक अहसन इकदाम सामने आया है। पंजाब यूनिवर्सिटी का तलबा से मुख्तलिफ फीसें ना वसूल करने का ऐलान। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद के मुताबिक तलबा और तालिबात से सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की ट्यूशन फी ली जाएगी। मजीद इसका अहवाल आतिफ परवेज से जानते हैं। बताइएगा आतिफ परवेज। हाँ जी बिल्कुल, जो है तलबा की जानब से भी ये मुतालबा किया गया था, और इसमें जो सबसे पहला जो इदारा जो सामने आया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिसने तलबा के मुतालबात को तस्लीम किया है। और जो तलबा से जो है फीस की मद में जो है वो कमी का ऐलान किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है तलबा की फलाह बहबूद के लिए एक अहम जो है ऐलान किया गया है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी का कोरोना वायरस के दौरान तलबा से मुख्तलिफ फीसेज ना लेने का ऐलान है। कोरोना के दौरान तलबा से मेडिकल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, लाइब्रेरी फीस नहीं दी जाएगी। कोरोना के दौरान स्पोर्ट्स फीस, हॉस्टल चार्जेस भी तलबा से वसूल नहीं किए जाएंगे। तो डॉक्टर नियाज अहमद का कहना है कि तलबा से ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ट्यूशन फीस ही ली जाएगी, जो बहुत मामूली है। इस हवाले से मुख्तलिफ जामियात के तलबा की जाने से पहले मुतालबा किया गया था कि उनकी फीसों में कमी की जाए, तो पंजाब यूनिवर्सिटी इस वक्त में जो है पहला इदारा और पहली जामिया सामने आई है जिसकी तरफ से ये ऐलान किया गया।